ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हर किया, भयो कबीर कबीर। एक दिन सिकंदर लोधी दी बेगम गंगा दे तट ते हिंदू यात्रुआं नूं वेखण लई आई। बस्त्र बड़े कीमती पहने हुए, हीरे मोतियां नाल जड़त उसका बुरका, और तरह तरह के जरी दे नाल सिले हुए उसका पहरावा ते बस्त्र। कबीर दे चेले कबीर दे शिष वेख के दंग रह गए। कबीर जी दे डेरे दे च एक पनहारी सी जो सारा दिन आए गए यात्रुओं नूं जल पिलांदी सी। बड़ी श्रद्धा दे नाल पानी पिलांदियां पिलांदियां सतनाम दा ओ रटन करदी रहिंदी सी। कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है। पानी पिलांदियां पिलांदियां लोकां दे कन्नां दे च ओ रब दी बाणी वी पाई जांदी सी। ए इस तरह दी पनहारी, ए इस तरह दा पानी पिलाण वाली, मूंह दे राहीं पानी पिलाई जांदी सी, कन्नां दे राहीं बाणी पिलाई जांदी सी। लेकिन उस दे तन दे बस्त्र फटे और ओ लावारिस मुफलिस सी। कबीर दे चेले कबीर जी पास आके गिला करदे ने, भगत जी ऐ जो पनहारी है सारा दिन सतनाम दा रटन करदी है, लोगां दी शरीरक प्यास बुझांदी है, ते लोगां नूं मानसिक शांति मिल सके सतनाम दी धुनी उन्हां दे कन्नां विच पांदी है, लेकिन अत्यंत मुफलिस है, गरीब है, तन दे बस्त्र भी फटे हुए ने। लेकिन सिकंदर लोधी दी बेगम नूं असीं अज देखिआ है गंगा दे तट ते, उन्हें मखमली लिबास पहने है और हीरे मोती पन्निआं नाल जड़त। क्या ये रब अन्याय नहीं करदा कि रब दा चिंतन करन वाले दुखी ते रब तो बेमुख होके इस तरह दी ऐश्वर जिंदगी बतीत करदे ने। कबीर ने उत्थे जड़े बोल अपने उच्चारण कीते ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने। कबीर हेंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनेहार। ये ठीक है कि सिकंदर लोधी दी बेगम ने बड़े कीमती वस्त्र पहने ने और वो हीरे मोतियां नाल जड़त ने, लेकिन वो वस्त्र इस पनहारी का मुकाबला नहीं कर सकते जो हरी दे जना नूं पानी पिलांदी है, सारा दिन सेवा करदी है संत जना दी। इहदे कपड़े महान ने, सिकंदर लोधी दी बेगम दे कपड़े तुच्छ ने। चेले कहिंदे ने इसने ते खद्दर दे कपड़े पहने ने, ओह भी फटे हुए, ते उस बेगम ने मखमल दा लिबास पहने है, ओह भी हीरे मोतियां नाल जड़त, ते आप उस बस्तरां नूं तुच्छ कहिंदे हो, इस नूं महान कहिंदे हो। तो कबीर कहिंदे मेरे कोल कारण जाणो मैं ऐसा क्यों आख्या। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मांग, ओ मांग सवारे विखे को ए सिमरे हरि नाम। इस दे फटे पुराने कपड़े प्रभु दे चिंतन विच इस नूं लीन रखदे ने, निरंकार दे च इस नूं लीन रखदे ने, जदकि उसका मखमली लिबास उन्हों संसार विच लीन रखदा। तो मैं ते उस वेशभूषा की ही उपमा करांगा जिहड़ी वेशभूषा मनुख नूं निरंकार विच लीन करे। गुरु नानक देव जी महाराज का भी ऐसा कहना है, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ पहनना जिहदे च बंदा संसार विच ही गर्च हो जाए ते संसार दीआं नज़रां दा ही एक पात्र बन के रह जाए। साहब कहिंदे ने ऐसा ते मन विच खुआरी नूं जन्म देंदा है, तन विच रोगां नूं जन्म देंदा है। अज तक ते वैर और हिकमत ये कहिंदी आई है कि आहारक रोग होंदे ने, व्यवहारिक रोग होंदे ने, कर्म रोग होंदे ने। प्रथम रोग हो जो खाण पीण दी बदपरेजी नाल पैदा होंदे ने, पर गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है बदपरेजी सिर्फ खाण पीण दी नहीं आउंदी, बदपरेजी पहनण दी भी होंदी है। इसका भी मन दे उत्ते अपना प्रभाव है, और मन की चंचलता जिन्हां पहरावियां नाल वधे, मन की चंचलता शरीर के तल ते रोगां नूं जन्म देवेगी, बीमारियां नूं जन्म देवेगी। इस वास्ते आपने बुलंद बांग आख्या है, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए
मन में चले विकार, कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को, ओ सिमरे हरि नाम। कबीर दी बाणी दे धार्मिक उपदेश बड़े फिलसफाना ढंग दे नाल दर्ज है। आप दे सलोक ने, छंद ने, शब्द ने, हर राग दे च ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भगत बाणी दे च सब तो ज्यादा बाणी भगत कबीर दी है। और जिथे जिथे भी भगत बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आरंभ होंदी है, करीबन करीबन सब तो प्रथम श्री कबीर जी महाराज दे ही शब्द आउंदे ने, और आप दे शब्दां ने जिंदगी दे हर पहलू दे उत्ते बड़े सोहने ढंग नाल रोशनी पाई है। अध्यात्मिक चिंतन ते धार्मिक मूल ज्ञान आप एक श्लोक दे च बड़े सोहने ढंग नाल देंदे ने, कबीर ऐसा कोई न जन्मे हो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग। कबीर जी का ऐसा कहना कि चूंकि असी दो शरीर रखते हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म, एक जो दिखाई देता है एक अदृश्य, ये जिहड़ा शरीर दिखाई देता है इसनों आख्या जाता है प्रगट चित्र, ते जिहड़ा शरीर नहीं दिखाई देता उसनों आख्या जाता चित्र गुपत, गुपत चित्र वो चित्र जो नहीं दिखाई देता। बंदा दूसरे का तन वेख सकता है, बंदा दूसरे का मन नहीं वेख सकता, लेकिन मन की अपनी होंद है और किसी हद तक देखा जाए तो तन की बुनियाद है। तो मनुख का असली स्वरूप जो है उसके विचार ने उसका मन है, पर यह इन अखा नाल नहीं दिखाई देता। तो हर वक्त इस तरह के दो रूप मनुख के अक्सर बने रहते हैं। कई दफा तन के तल के उत्ते मनुख शरीफ प्रगट होता है, लेकिन मन के तल से वह शरीफ नहीं आता है। कई दफा तन के तल के उत्ते बहुत भोला दिखाई देता है, लेकिन मन के तल के उत्ते वह बहुत चलाक आता है, तो चलाकियां नहीं दिखाई देंदियां। कई दफा तन के तल के उत्ते बहुत वड्डा दानी दिखाई देता है, पर मन के तल के उत्ते बहुत बेईमान होता है। कई दफा तन के तल के उत्ते बहुत सियाणा दिखाई देता है, पर मन के तल के उत्ते अक्सर देखा जाता है वह मूर्ख होता है, कुबड़ होता है। और ऐसा देखा गया प्रगट चित्र ते चित्र गुपत दा आपस दे तालमेल नहीं बैठता। प्रगट चित्र कुछ होर दिशा की तरफ गमन करता है, ते चित्र गुपत किसी होर दिशा की तरफ। धर्म की साधना दरअसल चित्र गुपत नूं सुंदर बनाने लई है, लेकिन मनुख की सारी साधना प्रगट चित्र नूं सुंदर बनाने लई है। शीशे दे अगों घंटा घंटा खड़िया है, अपना रंग रूप सवार रहा है। और अज दे समय च जितने सौंदर्य प्रसाधन बाजार विच आए ने और चारों पासे फैक्ट्रियां बना रही ने, इस तरह का कोई साधन, इस तरह के कोई उपराले नहीं किए जा रहे कि किसी तरीके नाल मनुख का मन सुंदर दिखाई दे, मनुख का चित्र गुपत सुंदर होवे, खूबसूरत होवे। तन की खूबसूरती ते सारा जोर है, मन की खूबसूरती दे बिल्कुल जोर नहीं। इस वास्ते संसार विच देखण विच आ रहा है तन सुंदर होंदे जा रहे ने, मन क्रूप होंदे जा, तन की शोभा वधदी जा रही है, मन की शोभा घटती जा रही है। तन प्रभावित करन लग पए ने, मन का कुछ भी प्रभाव नहीं रह गया। जबकि मन वास्तविक हकीकी मूल शरीर है, यह चित्र गुप्त है। जब अंतम समय इस प्रगट चित्र नूं जला दिता जाता है या दफन कर दिता जाता है, तो फिर रह जाता है चित्र गुप्त मन, संस्कारां दा मुजस्मा। यह फिर अगे जाता है और यह जिस तरह का होंदा है उस तरह का अगे इसनों शरीर मिल जाता है। संसार तन की सुंदरता दे ते तन नूं सवारण दे च अपना समा खर्च करता है, भगत मन नूं सवारण दे च समा ते मेहनत जुटांदे ने। बाबा फरीद दा कहना है, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जे तू तन सवारे ते संसार नूं चंगा लगदा है, पर जे तू अपना मन सवारे तो निरंकार नूं चंगा लगेगा, निरंकार तेरे नाल प्यार पावेगा। तन दे खूबसूरत लोग बाहर महफलां दे सन्मान पाते ने, पर मन दा खूबसूरत मनुख प्रभु दी दरगाह विच माण मर्यादा पाउंदा है, सन्मान पाउंदा है। इस वास्ते साहिब भी कहिंदे ने, इह मन सुंदर आपणा हर नाम मजीठे रंगरी।
दरअसल मूल मन है, ए चित्रगुप्त है। तन दी अपनी औलाद है, मन दी अपनी औलाद है। तन दी औलाद इहदी कोई पूर्ण तौर ते गिणती नहीं है। किसे दा एक बच्चा हो सकदा है, किसे दे दो हो सकदे ने, किसे दे पंज हो सकदे ने, किसे दे दस बारह भी हो सकदे ने। लेकिन मन दी औलाद गिणी मिथी है। मन दी औलाद ते पंज पुत्तर ही ने, और ये पंजे दे पंजे पैड़े। शरीरक औलाद उहदे च कोई एक भी संतान पैड़ी निकला है, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो वह कुल नूं कलंकत कर देंदी है, घर नूं नरक बना देंदी है। ते मन दी ये जिहड़ी पंज औलाद ने, पंज संताना ने, ये ते पंजे ही पैड़ियां ने। इस वास्ते मन कलंकित है, मन दुखी है, मन बेजार है। अक्सर भैड़ी औलाद दा रोना रोंदे हुए लोग मिलणगे, कह देंदे ने पुत्र ना ही जमदा ते ठीक सी, ए धी ना ही पैदा होंदी ते ठीक सी, इहने ते कलंक ला दिता है, इहने ते चारों पासे साडा अपजस वधा दिता है। पर नेक पुत्र कुल दा कलंक धो देना हुंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ऐसा फरमान, अपजसं मिटंत सत पुत्रे सिमर तबरिदै गुरु मंत्रणे, गाथा मल्ला पंजवां। साहिब कहिंदे अपजस मिट जांदा है अगर घर विच कोई सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, घर विच कोई शराफत दा मुजस्मा पैदा हो जाए, हंसमुख खुशपोश खुश मिजाज खुश इखलाक बच्चा घर दी रौनक हुंदा है, घर दा अपजस मिटा देंदा है, घर दे कलंक नूं धो देंदा है। लेकिन ऐसी एक संतान भी पैड़ी होवे तो घर नूं सारे परिवार नूं कलंकित करके रख देंदी है। मन दी ये जिहड़ी औलाद है, ये पंज ने, ते पंजां दे बकायदा नाम ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन चो पैदा होंदे ने, तन दे तल ते प्रगट होंदे ने। इन्हां दी उत्पत्ति मन तो है, मन तो ही लोभ पैदा होंदा है, मन तो ही अहंकार पैदा होंदा है, मन तो ही मोह पैदा होंदा है, मन तो ही काम पैदा होंदा है। दरअसल काम एक विचार है, हंकार एक फुरना है, लोभ एक विचार है, ते मन विचारां नूं जन्म देंदा है, मन फुरनियां नूं जन्म देंदा है। ते मन दे फुरनियां दे च है कि सारा दिन ये जिहड़े फुरने चलदे ने मनुख दे मन दे च, मन दे फुरनियां दे च है कि काम या क्रोध होवेगा या लोभ होवेगा या मोह होवेगा या अहंकार होवेगा, इस तों इलावा होर कुछ नहीं है। दिन भर मनुख दी मानसिक चितवनी जिहड़ी है, मानसिक चिंतन जिहड़ा है, उहदे च ये पंज पुत्र ने। जैसे आम है बंदा बार बार दूर जाके प्रदेश जाके अपने बच्चियां नूं याद करदा रहिंदा है, अपनी औलाद नूं याद करदा रहिंदा है, बस मन भी अपने इन्हां पंजां जणे होयां पुत्रियां नूं ही याद करदा रहिंदा है और उस दी चितवनी दे च रहिंदा है। धार्मिक साधना जिहड़ी है वह इस ते खड़ी है। भगत कबीर जी महाराज के कथन अनुसार, कबीर ऐसा कोई न जन्मे हो अपने घर लावे आग। हुण ऐसा केरा माई का लाल जमे है जो अपने घर नूं आप अग लावे। अज तक ऐसा होया है कि मनुख दूजियां दे घर नूं अग ला के खुश होंदा रहा है, पर कबीर कहिंदे ने भगत दी सोचनी ते दृष्टि कुछ होर है, ते अपने घर नूं ही अग ला के खुश होंदा है। ते अपना घर केड़ा है, तृष्णा छान भरी धर ऊपर दुरमत भांडा फूटा। मन जिस जोगी दे च रहिंदा है वह तृष्णा दी जोगी है, ते उहदे च दुरमत भैड़ी मत दा एक घड़ा पिया है, भांडा पिया है, ते जिहदे च गंदा पानी मन पींदा रहिंदा है। कबीर कहिंदे ने ऐसा हुण केड़ा माही का लाल है जिहड़ा इस तृष्णा दी जोगी नूं अग लावे, झोंपड़ी नूं अग लावे, जिस घर दे च मन रहिंदा है इहनूं अग लावे। ते मन सूक्ष्म है, मन अदृश्य है, तो यह अग्नि भी अदृश्य है जिहदे नाल मन दे घर नूं साड़ना है, ते मन दे पुत्रां नूं साड़ना है। सिर्फ घर नूं ही नहीं साड़ना, औलाद नूं भी साड़ना है। कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लेवला। पंजां ही पुत्रां नूं साड़ के राम दी धुनी दे च लीन रवे, ऐसा केड़ा माई का लाल। तो एक ते प्रगट अग्नि है जिहड़ी बार साड़दी है, बार जलाण दे काम आउंदी है। मनुख जद ईर्षा नाल भरदा है,
मनुख जद दुश्मनी दे नाल भरदा है, मनुख जद बदले दी भावना नाल भरदा है, ते दूजे नूं साड़न दा चित करदा है। पर जद मनुख दया नाल भरदा है, जद मनुख संतोख नाल भरदा है, जद मनुख ज्ञान नाल भरदा है, जद मनुख विचार नाल भरदा है, ते उहदा चित करदा है हुण अपने उस घर नूं साड़ा जिहदे च मन रहिंदा है, उस औलाद नूं साड़ा जिसने बेचैन कर रखा है, परेशान कर रखा है। एक अग लगेगी बार ओ बदले दी भावना वस होके, अहंकार वस होके, पर एक अग पैदा होवेगी दया वस होके, संतोख वस होके। उस अग्नि नो गुरबाणी ने ब्रह्म अग्न आख्या, कबीर ने भी उसनु ब्रह्म अग्नि आख्या। ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। ब्रह्म अग्नि मेरे अंदर पैदा हो गई है, ते ब्रह्म अग्नि किवें पैदा होवे? बाहर जिहड़ी अग है वह माचिस की तीली असी रगड़दे आ पैदा होंदी है। प्राचीन समय च दो पत्थरां नूं रगड़ के अग पैदा की जाती सी, या दो लकड़ां नूं रगड़ के भी प्राचीन समय च अग्न पैदा की जाती सी। इह जिहड़ी ब्रह्म अग्न है इह किस तरह पैदा होवे, इस दे बारे धार्मिक जगत दे जिहड़े शब्द प्रचलित ने, जप तप तप तपश तप अग्नि, किसकी अग्नि? जप दी अग्नि, जप दी तपश, जप दा सेक, जप दी अग। जद कोई मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसा जाप करता है, जद कोई मनुख राम राम दी धुनि उचारण करता है, जद कोई मनुख अल्लाह अल्लाह दा चिंतन करता है, तो ए दरअसल संसार ते निरंकार दा आपस दे छूण है। जद कोई ऐसा रटन करता है ते मन दा परमात्मा दे नेड़े आवना है। इहदे नाल जिहड़ी अग्न पैदा होंदी है उहनूं कहिंदे ने ब्रह्म अग्नि, इहनूं योगियां ने योगा अग्न वी आख्या। इह जप तों पैदा होंदी है, इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे जप तप कट्ठा शब्द बन गया, तप सोज, तप सेक, तप अग्नि। पर किसकी अग्नि? जप दी अग्नि। जद भी कोई मनुख जप करता है उस दे अंदर तप पैदा होगा, उस दे अंदर तपश पैदा होगी, उस दे अंदर अग्नि पैदा होगी। पर यह अग्न ठंडी अग्न होती है, साड़ती जरूर है। किसनू साड़ती है? एक क्रोध नू साड़ के सुआ कर देती है, ये लोभ नू साड़ के सुआ कर देती है, ये काम नू साड़ के सुआ कर देती है। बाहर दी कोई अग्न क्रोध नू साड़ती नहीं, बल्कि बाहर दी अग्न ते क्रोध नू भड़काउंदी है, काम नू भड़काउंदी है, अहंकार नू भड़काउंदी है। अगर इस तरह की अग्न दे नाल ये पंजे पुत्र पंजे विकार सड़ सकदे, ते शायद सारी दुनिया ही अग ला के इन्हां पंजां नू साड़ के ते पंजां तों बच जांदी, पर नहीं, उह ते जप दी अग्न नाल ही इन्हां नू साड़िया जाएगा, इन्हां नू जलाया जाएगा। तो कबीर अध्यात्मक ज्ञान देंदिआं होइआं कहिंदे ने, ऐसा केड़ा माई का लाल जमे है जो अपने ही घर नू अग लावे, तृष्णा दी झुग्गी नू अग लावे जप दी अग्न नाल। कबीर ऐसा कोई न जन्मयो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लिवला। ए भैड़ी संतान, ए भैड़ी औलाद जो मन चो पैदा हुई है, इन्हां नू साड़ के, इन्हां नू स्वाह करके ते राम दी धुनी विच लीन रवे, ऐसा केड़ा माई का लाल है, ऐसा कौन है जो जगत विच आया है। इस तरीके दे अध्यात्म उपदेश संदेश आप थां थां ते देंदे रहे, आप हर थां ते ऐसा कहिंदे रहे कि जात करके ना कोई उच्चा ना कोई नीवा, कर्म करके मनुख उच्चा है, कर्म करके मनुख नीवा है, ज्ञान करके मनुख महान है, अज्ञान करके ही मनुख तुच्छ है, और धन करके कोई धनवान नहीं, प्रभु दे नाम करके ही मनुख धनवान है। आपने स्पष्ट रूप विच कह दिता है, कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हिरदे नाम न होई। वास्तविक मनुख ज्ञानी मनुख नाम रसीए नू सन्मान देवेगा, क्योंकि उसके कोल परम धन है, ते अज्ञानी मनुख केवल धनवान नू ही सन्मान देवेगा जिहदे कोल ए अस्थूल धन है। ऐसा असी जगत विच देखदे हां। एक प्रसंग स्वयं भगत कबीर ने लिखा है, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दुर्योधन दा घर छड़ के रात
बिदर दे घर रहे। दुर्योधन धनवान है, बिदर निर्धन है। दुर्योधन राजा है, बिदर मुफलिस है। दुर्योधन कोल महल माड़िया ने, बिदर कोल एक निक्की झोगी है। दुर्योधन दे घर 36 प्रकार दे पदार्थ सवेरे शाम बनते ने। बिदर रुखी मिसी खा के गुजारा करता है। राग रंग दियां महफलां दुर्योधन दे घर सजदियां ने, जदके प्रभु नाम दा चिंतन बिदर दे घर हुंदा है। जद दुर्योधन दे घर नू छड़ के रात कट्टी बिदर दे घर, दुर्योधन दे अहलकार कृष्ण नू कहंदे ने, आखिर तू ग्वाले दा ग्वाला ही रहा। राजियां नू राजियां दे घर रहना चाहिए, धनवाना नू धनवाना दे घर रहना चाहिए। मित्रता बराबरी दे तल ते हुंदी है, ऐसा नीति दा उपदेश है। श्री कृष्ण कहंदे ने, मैं बराबरी दे तल ते ही आके रहा। नाम धन दी दौलत नाल बिदर दा हिरदा माला माल है। नाम धन दी दौलत नाल मेरा हिरदा माला माल है। एक धनवान धनवान दे घर आया है, एक अमीर अमीर दे घर आया है। तेरे घर ए सब कुछ नहीं सी। इस प्रसंग नू कबीर ने अपनी बाणी च इंज कलम बंद कीता है, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाव बिदर को देखो, ओहे गरीब मोए भावे। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान न जाने आ, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं माने आ। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहाने। ए दुर्योधन, जे तेरे घर मैं रात कटता ते झूठे राग रंग दिया महफलां ही तू मेरे अगों सजानियां सन, पर बिदर दे घर रात बड़ी सोहनी लंघी है। सारी रात प्रभु दे गीत गांदियां लंघ गई। बिदर ते मैं सारी रात प्रभु दा चिंतन करदे रहे, प्रभु दा कीर्तन करदे रहे। ते प्रभु दे कीर्तन ने प्रभु दे गुणा ने अलूणे साग नूं वी खीर ते होर अमृत दे च बदल के रख दिता। 36 प्रकार दे भोजन दे च बदल के रख दिता। जद के तेरे घर दी वाशना ते तृष्णा ने 36 प्रकार दे भोजन नूं वी जहर बना देना सी। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन बयानी, कबीर को ठाकर आनंद बिनोदी, जात न काहू की मानी। कबीर कहंदे ने, ठाकुर परम पुरखां दी दृष्टि दे च जात बेमैनी आउंदी है। हैरानगी दी गल है कि शूदरां लई धार्मिक मंदरां दे दरवाजे बंद, पर शूदर भिलणी दे बेर श्री राम झूठे खांदे ने। झूठे बेर वो छकदे ने, वो शूदर है। शूदरां लई धार्मिक मंदरां दे दरवाजे बंद, पर बिदर दे घर बकायदा श्री कृष्ण चले जांदे ने, और बाल्मीक दा वो सन्मान करदे ने। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीके देख, इस तरह का उपदेश संदेश गुरदेव दी बाणी दे चों जो है मिलता है। भगत श्री कबीर ऐसे समय च होए ने आप दियां लहरां दे नाल होर अनेकां भगत उठे। रविदास नामदेव सदना सैन भीखन आप दे विचारां दा चारों पासे प्रभाव पिया। अज भी कोई दार्शनिक गल जोड़नी होवे ते कबीर नूं अगे करना पैंदा है। आप दे कहण दा ढंग ऐसा है, किधरे आप हास रस दे च कहंदे ने, किधरे आप रोदर रस दे च कहंदे ने, किधरे आप शांत रस दे च कहंदे ने, किधरे आप वीर रस दे च भी कहंदे ने। आप दे वीर रस दे भी बचन ने, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। ये बोल भगत कबीर दे ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने, भई वो सूरमा है जो लड़े दीन के हेत, दीन गरीब, जो गरीब दी खातर लड़ता है, कमजोर दी खातर लड़ता है। सूरमा उसनु मनांगे जेदी सारी ताकत कमजोर नु बलवान करन दे च खर्च हो जाए, मुफलिस नु अमीर बनाने दे च खर्च हो जाए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। गगन दमामा बाजयो पर्यो निशाने घाव, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जू जन को धाव। गगन
गगन मंडल देच, दिमाग देच, मन देच विचारां उत्पन्न होईयां ने, ख्याल उत्पन्न होए ने, ते ख्याल केड़े उत्पन्न होए ने, दीन दी बां पकड़नी है, कमजोर दी बां पकड़नी है। इस तरह दे आदर्शवादी उपदेश कबीर ने वंडदे आया अपना जीवन बतीत कीता।